हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। आइए देखते हैं एक खास किस्म का फंक्शन जो गूगल शीट में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दूसरी ईमेल आईडी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है हाइपर लिंक। क्या है हाइपर लिंक? तो जैसे ही मैं इसे टाइप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एच से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज हाईलाइट होने लगते हैं। सबसे पहले तो आपको इक्वल टू लगाना, बिना इक्वल टू लगाए तो आप ये फॉर्मूला टाइप ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दिया गया है हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक पर क्लिक कर देते हैं। हमें चूंकि हाइपर लिंक की ही जरूरत है, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये हाइपर लिंक हो जाएगा। हाइपर लिंक समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये लिंक बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप जा करके और क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई पड़ेगा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो ये लिंक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए हैंड का साइन बन रहा है, और इस पर क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस की किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जो भी आपकी जीमेल आईडी है उस पर आप सीधा सीधा जो भी लॉग इन होगा उस पर आप लॉग इन हो जाएंगे सीधा सीधा। या फिर अगर आप कोई जीमेल आईडी से लॉग इन नहीं होते हैं, तो आप जो है आपको ये लॉग इन करने के लिए बोलेगा, आप फिर लॉग इन कर सकते हैं आप सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइपर लिंक फॉर्मूला काम करता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।